असम में मदरसों पर बुलडोजर एक्शन होने के बाद यूपी में भी लगातार अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन की तैयारी है। योगी सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि कोई भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसा यहां पर नहीं चलना चाहिए और उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने टीम का गठन किया है जो सर्वे करेगी और पता लगाएगी कि कितने गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो यूपी में संचालित किए जा रहे हैं, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया जाएगा। असम में भी इससे पहले मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि किसी तरीके से यहां पर जिहादी एलिमेंट को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मदरसों पर बुलडोजर का एक्शन देखा गया। लेकिन अब यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन की बात को लेकर और सर्वे की बात को लेकर ओवैसी भड़क चुके हैं। ओवैसी ने कहा है कि इस सर्वे की जरूरत क्या है, सीधा ये कह दीजिए कि मुसलमान मत रहिए और यहाँ पर नोटिस जारी करके ये कह दीजिए नमाज मत पढ़िए। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। कि सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज हैं वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। VK News, राष्ट्र के नाम।